दोस्तों अभी अभी मैंने एक ट्रेलर देखा है जिसका नाम बहुत ज़्यादा कमाल का है, द रॉकेट बॉयज। मुझे ऐसा लगा पहले कि ये सीरीज ऐसे ही खाली पीली होने वाली है, लेकिन जब मैंने ट्रेलर को पूरी तरीके से देखा दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, क्योंकि इस सीरीज़ की जो पूरी कहानी हमें देखने को मिल रही है वो हमारे जाने माने दोस्तों जो इनक्रेडिबल मैन है उनके ऊपर देखने को मिल रही है, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी बाबा। और दोस्तों ये कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है देखने में ट्रेलर में दोस्तों, बिल्कुल आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। ट्रेलर मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा है दोस्तों। इसमें जो हमें विक्रम साराभाई की बिल्कुल कहानी देखने को मिलने वाली है, जो कि बचपन से लेकर दोस्तों एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा, साथ ही साथ डॉक्टर होमी बाबा का भी, ये दोनों के बीच में रिलेशन भी हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहा है, और किस प्रकार से उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग के लिए कितनी सारी मेहनत की है वो सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है। उनका इंटरेस्ट कैसा था दोस्तों और पढ़ाई को लेकर, वो सारी चीज़ें मुझे ट्रेलर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा है दोस्तों। ट्रेलर हमें जो सीरीज़ देखने को मिलने वाली है वो 4 फरवरी को देखने को मिलेंगी। हालांकि दोस्तों मुझे लगता है कि सीरीज़ में 8 एपिसोड्स देखने को मिल सकते हैं। सीरीज़ में कुछ इनक्रेडिबल्स एक्टर्स भी मौजूद हैं जिनका रोल देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर दोस्तों सोनी लियू हर बार कमाल कर रहा है, चाहे वो दोस्तों 1992 का स्कैम हो या ये वाली सीरीज रॉकेट बॉयज, बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है दोस्तों। सोनी लियू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज को लेकर आ रहा है बाहर। हालांकि ऐसा कोई दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन लोग जो है दोस्तों बनी बनाई स्टोरी को दिखाते हैं, लेकिन ये कुछ सोनी लियू कुछ ऐसी स्टोरी को बाहर निकाल रहा है जो कि लोगों को पता तो है लेकिन उसकी हिस्ट्री पता नहीं है दोस्तों। ट्रेलर देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अब मैं एक्साइटेड हूँ दोस्तों 4 फरवरी के लिए, क्योंकि ये सीरीज 4 फरवरी को ही रिलीज़ होंगी दोस्तों। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेलर है और सीरीज़ भी मैं होप कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी हो दोस्तों। यही था मेरा रिव्यू उस ट्रेलर को लेकर।